अखिलेश यादव ने दिखाई हिंदुस्तान की असली तस्वीर। तस्वीर देखकर दुनिया कर रही अखिलेश की तारीफ। मोदी भी देखे, योगी भी देखे, शाह और भागवत भी देखे। इस एक तस्वीर ने दिखाया ऐसे होते हैं समाजवादी। झलक मिल गई अखिलेश कितनी दूर तक की सोचते हैं। अखिलेश की एक तस्वीर पिछले 24 घंटों से इंटरनेट में सनसनी बनी हुई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक इस तस्वीर की चर्चा है। चर्चा तो सात समुंदर पार दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में भी चल रही है। अखिलेश की चर्चा हो और विपक्षी कुछ बोले ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सोशल मीडिया में वायरल हुई इस तस्वीर ने योगी, मोदी, शाह और भागवत सबकी नींद उड़ा दी है। हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ये बताना जरूरी है कि जो मीडिया मोदी के सूट, राहुल की टी शर्ट, महुआ मोइत्रा के पर्स और मल्लिकार्जुन के मफलर पर डिबेट करती है, उसने अखिलेश की इस तस्वीर को एक बार भी नहीं दिखाया, क्योंकि ये तस्वीर उनके इस एजेंडे पर फिट नहीं होती जो वो दिन रात चलाते रहते हैं। इसलिए उस तस्वीर को दिखाने का बीड़ा हमने ही उठा लिया। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। तस्वीर में अखिलेश यादव काली शेरवानी में नजर आ रहे हैं। इनके साथ सपा के कई और विधायक भी नजर आ रहे हैं, जिसमें एक विधायक भगवा कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं। एक साथ काली शेरवानी और भगवा कुर्ते में नजर आ रहे सपा के विधायकों की ये तस्वीर बीजेपी के गले नहीं उतर रही। आपको ये भी बता दें कि सपा के गद्दावर नेता आजम खान, जो अभी सदन के सदस्य नहीं है, वो भी इसी तरह की काली शेरवानी पहनकर सदन में आते थे। कुछ लोग ने इसे आजम खान से भी जोड़कर देखा और कहा कि आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव और दूसरे सपा विधायक काली शेरवानी पहनकर सदन में आए। जबकि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने अखिलेश यादव की काली शेरवानी में तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, हुजूर आज का बजट शेरवानी में, बड़ी बड़ी उम्मीदों की मेजबानी में, जिसे अखिलेश यादव ने रीट्वीट किया है। सोशल मीडिया में यूजर्स ने अखिलेश में जवाहरलाल नेहरू की भी छवि देखी और जिसने जो देखा वो लिख दिया। अब आपको इस तस्वीर की सच्चाई दिखाते हैं। ये तो आप जानते हैं कि इस तरह से इन दिनों देश में अलग अलग ही माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें कुछ तथाकथित बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो कुछ नेता दबी जुबान में इनका समर्थन भी करते हैं, लेकिन संविधान ने हमें जो ताकत दी है उसकी बदौलत ये खुलकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन समय समय पर ये अपनी आवाज उठाते रहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने इस तस्वीर के माध्यम से उन्हीं लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि इस देश में किसी भी संप्रदाय और जाति का व्यक्ति एक साथ एक जगह मिलकर रह सकता है। ये देश तब के लिए बराबर है और यहाँ सबको बराबरी का दर्जा मिलता है। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती क्योंकि उनकी दुकान ही लोगों को इसमें उलझा कर रखती है। अखिलेश यादव ने उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है कि ये देश सबका है और सब यहाँ मिलजुल कर रह सकते हैं। ये भाजपाइयों की नींद उड़ाने वाली तस्वीर है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले से ही जातिगत जनगणना का आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक छेड़ रखा है और कुछ दिनों में सपा इसे यूपी के गांव-गांव घर-घर ले जाने वाली है। उससे पहले अखिलेश यादव ने एकता की मिसाल पेश करने वाला संदेश लेकर भाजपाइयों की टेंशन और बढ़ा दी है। एक तो इससे अखिलेश की लोकप्रियता में इजाफा होगा, दूसरा नफरत की राजनीति के बदले प्रेम और भाईचारे की राजनीति का संदेश जाएगा, जो निश्चित तौर पर लोगों में अखिलेश का विश्वास बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ लॉन्चर।